पर देख लीजिए ब्रिज है लखनऊ नागा का, जो ये मतलब सुल्तानपुर से सीधा लखनऊ की ब्रिज गई है, सबसे लंबी और टेढ़ी मेढ़ी ब्रिज बनी है काफी ज्यादा। पहुंच गए हैं लखनऊ नाका के भाई पुल पे, ऊपर ब्रिज पे खड़े हुए हैं और नीचे का सीन आपको दिखाते हैं। ये अब कोई काम कराने का राजी नहीं है, तो गरीब आदमी तो कुछ कर नहीं सकता है। वही तो, गरीब आदमी क्या कर सकता है। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीटी स्टार। सो गाइस फाइनली बहुत दिनों के बाद, अभी आपको जैसे पता ही है हम गांव आए हैं, तो आज भाई आपका भाई पूरा एक्टिव है और आज हम जा रहे हैं अपने सुल्तानपुर सिटी, आपको पूरा माहौल दिखाने वहां का और ब्लॉग बनाएंगे काफी जबरदस्त वाला, तो काफी जबरदस्त वाला सीन भी आज होने वाला है। और अभी हम भाई रोड पे खड़े हैं, ये भाई से यहाँ पूछते हैं, भाई कौन सा एरिया है? दियरा बाजार। ये बाल्टी वाल्टी लेके कहाँ जा रहे हो? पानी आने जा रहे हैं। पानी पानी क्या करोगे? गोरू को पिलाओगे? तो गाइस अभी हम सुल्तानपुर सिटी चल रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोगों से भाई सुल्तानपुर के बारे में जानेंगे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपके भाई की एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, और आपका भाई इस लौंडे के साथ रेडी है अंकित, और उधर कैमरा भी रेडी है साथ में। अभी तो ये मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुल्तानपुर पहुंचने के बाद वहां से कैमरे से रिकॉर्ड होगा, तो काफी जबरदस्त सीन होने वाला है, तो बने रहना वीडियो से, चलते हैं बिना कुछ देरी के। तो गाइस जब हम वीडियो बना रहे थे, एक अंकल आए इधर, तो भाई आपका आपका घर कहाँ है अंकल जी? घर हमारा दियरा चौराहा। तो यहाँ से सुल्तानपुर कितना डिस्टेंस है? कितना? 24 किलोमीटर है। 24 किलोमीटर। अच्छा, तो आप यहाँ, आपका खेत वगैरह है क्या? जी नहीं, दुकान है। अच्छा, दुकान है यहाँ पे जी दियरा चौराहा में। घर कहाँ है दियरा चौराहा? नहीं नहीं, घर तो राजपालगंज बाजार है। राजपालगंज बाजार, उतनी दूर से यहाँ पे दुकान की है जी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे कहाँ टहल रहे हो, हवा ले रहे हो, कैसे खेत बारी देख रहे हैं? नहीं, हवा ले रहे हैं, चल रहे हैं पैदल, थोड़ा श्वास गड़बड़ है। अच्छा अच्छा, तो आप बताइए सुल्तानपुर के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं? जैसे हम सुल्तानपुर आगे घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ एरिया घूमने वाला है कि नहीं? ऐसे घूमने वाला है, आप वहाँ जाएंगे तो आपसे कहाँ छिपा रहेगा। हाँ, सब कुछ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो गाइस वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे वहाँ के भी लोगों से, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वहाँ से भी मिलेंगे, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो पहुंचने के बाद पता चलेगा। वहाँ के लोकल लोग जो है ना, वही सुल्तानपुर के बारे में काफी कुछ ज्यादा बता सकते हैं। बाकी भी रोड पे खड़े थे, यहाँ पे माहौल छोटा मोटा बना लिए, तो चलते हैं बिना कुछ देरी के, ना तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फाइनली हम पहुंच गए हैं गोलाघाट सुल्तानपुर, और भीड़ बहुत ज्यादा है। अब मैंने अंकित को बाइक पीछे दे दी, हमने कहा वहां पे तो धीरे धीरे क्रॉस करके आए ब्रिज को, ये ब्रिज है भाई सुल्तानपुर का पूरा बहुत ज्यादा, तो धीरे धीरे यहाँ से हम चल रहे हैं। बाकी कोई नहीं, लोग हमको बहुत अच्छे से निगाहों से देख रहे हैं कि भाई हम कर क्या रहे हैं, पागलपंती और कुछ भी जैसा भी है ये। और एक चीज और गाइस, जैसे अगर हम बाइक से आ रहे हैं ना, अगर गाड़ी का भाई टायर पंचर हो जाए तो क्या हालत होती है, हम आपको भी दिखाते हैं एक बार। भाई साहब बाइक लेके जा रहे हैं और इनका टायर पंचर हो गया, तो ये हालत होती है जब भाई कोई बाइक पंचर हो जाए। तो गाइज ये गोलाघाट है और ये नीचे गोमती नदी, और पीछे इसको बाइक देखो रेलिंग पे चढ़ा दिया इसने चलाते चलाते, इसको बोला हमने कि बाइक नीचे लेके आ, लेकिन इसे फिर भी समझ में नहीं आया क्या कर सकते हैं। अभी हम दीवानी चौराहा पे भाई पैदल चल रहे हैं, इतनी सारी बाइक खड़ी हैं, कितने लोग यहाँ पे मुकदमा लड़ रहे हैं भाई है। तो गाइज जिसको मुकदमा लड़ना है दीवानी सुल्तानपुर पधारिए, पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा भीड़ है फिलहाल। भाई यहाँ से जा रहे थे, सोच रहे हैं गन्ने के जूस पी लें एक बार, ठंडा मौसम हो जाए तब आगे बढ़े, आगे का प्रोग्राम देखें। हम आ गए हैं चौक घंटा घर, ये देखो पीछे, और बाजार अभी बहुत ज्यादा है, भीड़ वगैरह लगी हुई है, कैमरा हाथ में लिए हैं, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही घूम रहे हैं चौराहे पर। और अभी दोपहर के भाई 12 बज रहे हैं, इसलिए भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, धूप तो बहुत ज्यादा है। टहलते टहलते हम इधर आ गए, इधर कुछ दुकान भाई लोग खड़े हुए हैं, धन्ना भाई इनका भाई अभी फिलहाल मीडियम चल रहा है, भीड़ भाड़ लग रही है कि नहीं? शर्म कर रहे हैं भाई बोलने में। अभी हमको सबसे बड़ी गलती हमने ये की कि दोपहर में हम आ गए, धूप बहुत ज्यादा है,
शाम को आए होते तो भीड़ भाड़ होती काफी ज्यादा, तभी भाई सब लोग खेले वाले जितने भी हैं सब मद्दा हो गए ऐसे खड़े हैं, भीड़ अभी तो नहीं है बिल्कुल भी। दूर तक पैदल पैदल चले वीडियो बनाते हुए। हाँ तो पीछे वो बाइक लेके आ रहा है अंकित, तो हम ऐसे चलेंगे क्योंकि हमको हम देखना चाहते हैं पब्लिक हमको कितना देखना चाहता है। तो गाइस आपने ऊपर पर देख लीजिए ब्रिज है लखनऊ नाका का, जो ये मतलब सुल्तानपुर से सीधा लखनऊ की ब्रिज गई है, सबसे लंबी और टेढ़ी मेढ़ी ब्रिज बनी है काफ़ी ज़्यादा। और ये पूरा रेलवे ट्रैक और ये सबसे सुल्तानपुर का ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ से लोग अभी देखो ट्रेन आ रही है आगे से, फिर भी लोग क्रॉस कर रहे हैं, जान की बाजी लगा दिया भाई। ये देखो जियो पहलवानों जियो, आप सबको इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिलेगा। ये जा रहे हैं भाई, आगे से ट्रेन आ रही है, देखो ये ट्रेन आ रही है। हाँ ये फाटक हमेशा 24 घंटे बंद रहता है, खुलता नहीं, क्योंकि गाइस ऊपर से ब्रिज बना है, फिर भी लोग जो लोकल के हैं वो तो बाइक लेकर जाएंगे, बाकी जो चार चक्के वाले हैं वो नहीं जाते हैं। हम आ गए हैं लखनऊ नाका, ये है रेलवे स्टेशन का भाई क्रॉसिंग, सुल्तानपुर का सबसे बड़ा, और आगे है रेलवे स्टेशन, ट्रेन आने वाली है भैया, उसका भी सीन आपको दिखाएंगे काफी जबरदस्त वाला। नंबर दो से प्लेटफार्म नंबर दो से ट्रेन आ रही है, कैमरा निकालो भाई कैमरामैन, कैमरा निकालो, तो आप एक सिनेमेटिक लुक देख लो छोटा सा। पर कोई मास्क जल्दी मिलेगा नहीं क्योंकि सब ऐसे ही है। दादा कौन सा एरिया है, कौन सा एरिया है, जगह कौन सा है? लखनऊ नाका। तो गाइस अभी लखनऊ नाका पे हम पैदल चल रहे हैं, बाकी इधर मार्केट में लगी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, कैमरा हाथ में लेकर टहल रहे हैं, कैमरे से यार रिकॉर्डिंग करने में हाथ दर्द होने लगता है क्योंकि भारी बहुत ज़्यादा है। और साइड साइड में दुकानें लगी हुई हैं, अब साइड में आपको दिखाते हैं, ये देखो बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। इतना सामान लेके ले जा रहे हैं भाई, हैवी ड्यूटी कर रहे हैं भाई, पूरा सामान लाद के ले जा रहे हैं जबरदस्त। तो गाइस ये ब्रिज है देखो टेढ़ी सी गई है लखनऊ नाका, और नीचे कितने जा रहे देखो ऑटो वगैरह खड़े हैं भाई, और ये रेलवे ट्रैक। पहुंच गए हैं लखनऊ नाका के भाई पुल पे, ऊपर ब्रिज पे खड़े हुए हैं और नीचे का सीन आपको दिखाते हैं, काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है और दोपहर में हम आ गए, ये गलती किया, बाकी नीचे रेलवे ट्रैक और इधर भाई रेलवे स्टेशन। ये भी हमारे साथ में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है धूप में, परेशानी से भाई जल जल के बहुत ज़्यादा ये काला हो चुका है, काला हो चुका है। अरे बहुत धूप लागत भाई, धूप बहुत लग रहा है। तभी हम चलते हैं भाई रेलवे स्टेशन के साइड में, वो रहा रेलवे स्टेशन सामने हमारे। तो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी हम सुल्तानपुर के रामलीला मैदान में आ गए हैं, पीछे मंदिर है और ये पूरा भाई रामलीला मैदान सुल्तानपुर का, गर्मी बहुत है भाई बहुत। यहाँ पे अभी टेम्पो वगैरह खड़ी है, अभी सामने से मंदिर दिखाते हैं आपको। ये भाई ये रामलीला मैदान में ये सिद्धेश्वर नाथ मंदिर है, और ये देखो भाई कितना बड़ा भाई सांप बना हुआ है, और शंकर भोलेनाथ की यहाँ शिवलिंग ऊपर रखा गया है, ये देखो काफ़ी ज़बरदस्त सीन है। और ये मंदिर गाइस रेलवे अभी कोई ट्रेन इधर खड़ी नहीं है, इधर बहुत सारी ट्रेन खड़ी है सुल्तानपुर में, और ये देखो सुल्तानपुर बंदर भी बैठा ऊपर, इधर चाचा सुरती खा रहे हैं, सुरती हम खिलो दादा, तो मोटी वाली सुरती है छोटी वाली, देखो हम सुरती खा रहे हैं, हमको भी खाओ। तो गाइस हम सब थक के जा रहे थे, हमने सोचा सुरती खा के देखते हैं दादा बना रहे हैं इधर, दादा नहीं कम से कम चाचा ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अभी ब्रिज से जा रहे थे, इधर एक चाचा बैठे हुए हैं, तो चाचा जी बताइए सुल्तानपुर का नाम सुल्तानपुर कैसे पड़ा, आपको कुछ पता है, आप लोकल के हैं? नहीं हम कौन हाँ? इसी और में। अच्छा रहने वाले सुल्तानपुर के हैं जैसे बाहर के हैं? नहीं है भाई इसी।
यहीं के हैं। तो कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, कैसे रहते हैं? दिहाड़ी वाला काम करते हैं। अच्छा, दिहाड़ी वाला काम धंधा नहीं है, थोड़ा शहर जा रहे थे दवा लेने। बहुत खल जाता है चलने में, कमजोर। गर्मी भी इतना पड़ रही है कि इंसान इंसान परेशान हो जाता है। हो गया भी, अब कोई काम कराने का राजी नहीं है, तो गरीब आदमी तो कुछ कर नहीं सकता है। वही तो, गरीब आदमी क्या कर सकता है, चारों तरफ से गरीब को ही झेलना है। कोरोना आए तो झेले, महामारी आए तो झेले, बीमारी आए तो झेले, क्या करे गरीब। और चाचा ठीक बस सब? गाड़ी मोड़ो, हम सब भाई रेलवे स्टेशन से आ गए हैं, लखनऊ से भी अभी। तो भाई हम धूप में से यहाँ आ गए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है। भैया गर्मी नहीं लग रही क्या आपको? बहुत गर्मी है। हमने सोचा आप लोगों को नहीं लगी, हमें ज्यादा लग रही है। तो ये सब विकट गर्मी है भैया। रिक्शा चलाने में गर्मी नहीं लगती है? हैं? गर्मी लागत है, गर्मी लागत है, क्या करो, मजबूरी है। मजबूरी ना करो, बिना मजबूरी के इंसान घर से बाहर नहीं निकलता, एक बात तो ये है। जब इंसान को मजबूरी रहती है तभी वो घर से बाहर निकलेगा। चुप कर हम आ गए हैं गोलाघाट, और ये है ब्रिज। अंग्रेजों के जमाने के ये ब्रिज बना हुआ है, काफी ज्यादा पुराना। आगे से ये टूट फूट गया है, ये देखो, ये रास्ते में टूट गया भाई। इसका बाउंड्री करा दिया गया ताकि कोई इसमें भाई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। बाकी इधर भाई दो पहिए वगैरह चले जाते हैं, चार पहियों के लिए भाई कोई व्यवस्था नहीं है इधर आने का। तो बाकी कोई नहीं गाइस, आई होप आपको ब्लॉग में कुछ पार्ट अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज प्लीज लाइक करना वीडियो को, और शेयर करना, और सब्सक्राइब कर देना, ऐसे प्यार मोहब्बत देते रहना। मिलते हैं आपको इसी नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।